तो क्षोभ प्रकाश करते मजबूरी है क्योंकि बंगाल सरकार ने व्यवस्था दी है हमारे जो प्लास्टिक और किसो तो मजबूरी है ना, दिल्ली वाले के लिए जगह नहीं मिला। अब इस जगह पे भी वो बाबूजी दो बार आए, बोल रहे यहाँ से भी जाओ एम्बुलेंस आएगा, यहाँ से भी जाओ एम्बुलेंस आएगा, क्या करें अब कहाँ जाए आप लोग बताइए। हम सोनीपत हरियाणा से है जी, हम तो सोच रहे थे ममता बनर्जी ने बहुत कुछ कर रखा है, बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा था उसका, लेकिन यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। लैट्रिन में गए, लैट्रिन बना दी 200, लेकिन बाल्टी वहाँ 5 है कुल मिला के, ना कोई लैट्रिन में पानी है, वो एक होदी चल रही है उसमें बाल्टी के लिए लाइन लगी रहती है, परेशानी परेशानी हो रही है। और अब रात को घोषणा और ये बारिश आएगी, बेचारे ये कहाँ जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है जी। ममता बनर्जी का नाम है तो उन्होंने ये हमारे जो तीर्थ यात्री जो बाहर से दिल्ली से सोनीपत हरियाणा से आते हैं उनके लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। और महंगाई आप देखोगे यहाँ पे तो ये 40-40 रुपए की पन्नियां ली है, ये प्राइवेट आदमी ने 2000 रुपए मांगे हम झोपड़ी के। आईलैंडर मुद्दे हमारे प्रचुर पिलग्रिम हैंगर हो हमारा करी तार संगे पंचायत समिति ग्राम पंचायत और करे কিন্তু আইল্যান্ডেরও একটা লিমিটেশন রয়েছে, তবেও আমরা চেষ্টা করি প্রচুর এবার কিন্তু বেশি করে আমরা পিলগ্রিম হ্যাঙ্গারটা করেছি যেখানে ওরা ভালো করে থাকতে পারে। গঙ্গাসাগর থেকে তীর্থঙ্কর দাস, আজকাল .in।